नमस्ते, आज हम आपसे 21 कैटेगरी में से एशियन अटैक के दिव्यांगजनों की बात करेंगे। अशोक जी, आपसे निवेदन है कि कृपया हमें इस विषय पर प्रकाशित करें। RPWD एक्ट में इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया, इनकी संख्या बढ़े। इनकी संख्या कम होगी? बिल्कुल, इनकी संख्या कम हो, जो हो गए हैं उनका समावेशन हो, उनका पुनर्वासन हो, उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब मिले, उनके परिवार जिए, सम्मानजनक जीवन बिताएं। उद्देश्य सरकार का ये है, और संविधान है उसकी पार्ट 4, नीति निर्देशक तत्व, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो वहां पर समावेशन, पुनर्वासन, सम्मान, जीवन यापन प्रत्येक दृष्टि से हम देखते हैं। हालांकि अभी गांव में एसिड अटैक के क्राइम उतने नहीं है, एसिड विक्टिम उतने नहीं है, ज्यादातर ये महानगरों में हो रहा है। हाँ, बड़े शहरों में हो रहा है, स्कूल बच्चियां जा रही हैं, वहां से लौट रही हैं, वहां पे हो रहा है। हालांकि शासन ने काफी कुछ इस पर कंट्रोल भी किया है, स्क्वाड है, कॉलेज के आसपास फोर्स रहती है। हाँ, लेकिन समाज में जो हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस तरह से हमें तैयार करना पड़ेगा, उनको युद्ध कौशल में भी इस तरह से हमें पारंगत करना पड़ेगा ताकि ऐसी परिस्थितियों से वो स्वयं की रक्षा भी कर सके। हाँ, हमें लगता है एसिड अटैक का अपना ये जो वीडियो है, विराम देता हूँ, फिर अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद अशोक जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। नमस्ते।